Hello everyone, in this video we will do the accounting of a partner when a partner is died. ठीक है, accounting करेंगे जब किसी partner की death हो जाती है. जब किसी partner की death होती है वो same उसी तरीके से होगा जैसे किसी partner की retirement होती है. ठीक है, जैसे retirement होती है उसी तरीके से same वही adjustments होंगी क्योंकि पार्टनर ही जा रहा है. जैसे पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है सेम उसी तरीके से एडजस्टमेंट्स होंगी. सबसे पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालेंगे. उसके बाद हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे सेम वैसे ही जैसे रिटायरमेंट में करते थे. उसके बाद हम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट करेंगे. उसके बाद हम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हम उसमें करते थे, एसेट्स का रिवैल्यूएशन एंड लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम रिटायरमेंट में करते आए हैं. लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर करनी है वो करनी है जाने वाले पार्टनर का शेयर निकालना है प्रॉफिट का. अब देखिए, पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून 2021 को. अब पार्टनर ने अप्रैल मई जून 3 महीने तो काम किया है, 3 महीने का उसको प्रॉफिट तो निकाल कर हमने देना पड़ेगा. अप्रैल मई जून 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी थी, पिछले साल के प्रॉफिट्स उसको दे दिए थे. उसके बाद अप्रैल से नया साल शुरू हो गया था. अप्रैल मई जून 3 महीने उसने बिजनेस में काम किया, 3 महीने का उसको प्रॉफिट निकाल कर देना पड़ेगा. अब ये 3 महीने का जो प्रॉफिट निकालना है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के दो बेसिस है. पहला बेस है बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स बनाओ. भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा था अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट प्रॉपर बनाएंगे और वो जो प्रॉफिट निकलेगा पार्टनर से बांट देंगे, फिर नई पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे. और उसके बाद या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नई जी हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम प्रॉफिट को एस्टीमेट करेंगे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट को एस्टीमेट करेंगे. तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका जो भी होगा, जो भी फॉलो कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा. पहला है जब वो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं मतलब प्रॉपर तरीके से अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बना रहे हैं, तब जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी प्रॉफिट निकलेगा 3-4 महीने का या फिर लॉस निकलेगा वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा. और जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जैसे देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC तीन पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 5:3:2, बी की डेथ हो रही है 30 सितंबर 2021 को. उसने कितने महीने बिजनेस में काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने काम किया. ए और सी ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, बी की डेथ हो रही है कोई बात नहीं हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन 30 सितंबर 2021. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, उस दिन हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं. प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू 30 सितंबर, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन हमने जो अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बनाकर हमारा जो प्रॉफिट निकला 9 लाख रुपीज़ का. अब ये प्रॉफिट हमने सिंपल तीनों पार्टनर्स में बांट दो, उनकी ओल्ड रेशो में हमने प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनाए. तो यहाँ पे डेट लिखनी थी हमने, डेट वाला कॉलम में खाली लिख चला गया 2021 सितंबर 30, डेट लिखनी है. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट तीनों पार्टनर से बढ़ जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट. रेशो थी 5:3:2, तो 9 लाख ये बांटना, मेरे को बार बार मैं आपको बताती हूँ, 5/10, 9 लाख x 5/10 आ गया 4,50,000, 9 लाख x 3/10 आएगा 2,70,000 और 9 लाख x 2/10 आएगा 1,80,000. तो रेशो थी 5:3:2, हमने जो प्रॉफिट था 9 लाख का तीनों पार्टनर से बांट दिया 5:3:2 की रेशो में. जनरल एंट्री हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट. यहाँ डेबिट लिखना मत भूलना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट. 9 लाख को हमने तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 की रेशो में बांट दिया. अब आती है बात, पहला था बेसिस बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स.
अब है बाय एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाया तो सिंपल ही है, लेकिन जब प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है तब क्या करना है। प्रॉफिट को एस्टिमेट दो तरीके से किया जाता है, या तो टाइम बेसिस पर या टर्नओवर बेसिस पर। प्रॉफिट को दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, या तो टाइम बेसिस पर या फिर टर्नओवर बेसिस पर। ठीक है, प्रॉफिट को दो तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, या तो टाइम बेसिस पर या फिर टर्नओवर बेसिस पर। टाइम बेसिस का क्या मतलब है, मैं आपको अभी जनरल आइडिया दे रही हूँ। टाइम बेसिस का मतलब है जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो रही है 31 जुलाई 2021 को, इस दिन उस पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उसने अप्रैल से काउंट करना शुरू करना है। टाइम अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उसने बिजनेस में काम किया। टाइम बेसिस पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैसे एस्टिमेट करेंगे, 4/12। क्वेश्चन कहते हैं, पहले तो 4/12 ले लिया हमने 4 महीने का प्रॉफिट, फिर क्वेश्चन हमें बोलेगा कि हमने कौन सा प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानना है, एस्टिमेट करना है, एज्यूम करना है। समटाइम्स क्वेश्चन कहेगा कि पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट ले लो, तो वो प्रॉफिट ले लेंगे। समटाइम क्वेश्चन कहेगा एवरेज प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट लो, तो वो ले लेंगे। जो भी क्वेश्चन ने बोला वो हमने करना है। समटाइम्स क्वेश्चन बोलेगा पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट लो, तो वो लेंगे। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि एवरेज प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट लो, तो वो लेंगे। जो भी क्वेश्चन ने बोला उस हिसाब से हमने इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट किया, वो लिख दिया। एक तो मंथ मतलब टाइम पीरियड, और प्रॉफिट जो हमने क्वेश्चन ने बोला वो ले लिया, और फिर जो जाने वाले पार्टनर का शेयर, जैसे सी जा रहा है, सी का जैसे 5:3:2 रेशो है, तो सी की डेथ हो रही है तो सी का शेयर 2/10 वो लिख देंगे, शेयर लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का फॉर्मूला बेसिकली ये है, जितने महीने उसने बिजनेस में काम किया वो लिखो 4/12, 5 महीने काम किया 5/12 लिखो, 6 महीने काम किया 6/12 लिखो, 7 मंथ्स काम किया 7/12 लिखो। फिर प्रॉफिट हमने कौन सा प्रॉफिट लेना है, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट लेना है तो वो लिखो, एवरेज प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट लिखना है तो वो लिखो, फिर उसके बाद उस जाने वाले पार्टनर का शेयर लिख दो। ये तो हो गया हमारा टाइम बेसिस। उसके बाद है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस मैं आपको अभी अलग वीडियो में समझाऊंगी। टर्नओवर बेसिस होता है सेल्स को बेस बनाकर चलना है, सेल्स को बेस बनाकर चलना है। ठीक है, पहले हम टाइम बेसिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम सेल्स बेसिस के क्वेश्चंस करेंगे। पहले टाइम बेसिस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला समझाया वही लिखा हुआ है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ एक हमने इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी रखनी है यहाँ पर, कि यहाँ पे आगे दो सिचुएशंस, ये जो आपने एस्टिमेट कर रहे हो ना, एस्टिमेट में भी आगे दो सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन आती है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो नॉट चेंज ना हो, रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो चेंज ना हो। और दूसरा आता है रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो, न्यू रेशो चेंज हो जाए। जब हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं तो उसमें भी दो सिचुएशंस आती है। पहली सिचुएशन आती है कि तीन पार्टनर्स थे ABC, एस्टिमेशन जब करते हैं प्रॉफिट्स का, तीन पार्टनर्स थे ABC, समझ लीजिए इसका रेशो था 3:2:1, बी की डेथ हो रही है, जिस टाइम बी की डेथ हो रही है उस टाइम फ्यूचर में अब ए और सी का रेशो 3:1 होगा, ए और सी का रेशो 3:1 होगा। ठीक है, तो मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर्स बी की डेथ हो रही है और रिमेनिंग पार्टनर्स कह रहे हैं फ्यूचर में हम 1:1 की रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है, तब हमारी एंट्री अलग तरीके से होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो सेम रहे तब हम जनरल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रॉफिट को एस्टिमेट किया है, यहाँ पर हमने प्रॉफिट को एस्टिमेट किया है, यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज का मतलब है जो पार्टनर जा रहा है उसका प्रॉफिट निकाल कर उसको देना है, जर्नल एंट्री की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया है और जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में अपनी रेशो को चेंज नहीं कर रहे हैं, रिमेन सेम। जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, रेशो था 5:4:3, वाई रिटायर हो रहा है, एक्स और जेड के न्यू रेशो 5:3 ही है, जो उनकी पुरानी रेशो थी वही उनकी रेशो है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जब जाने वाले पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा भी एंट्री समझ लीजिए, जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लेते हैं, रेशो चेंज हो जाता है,
वेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स चेंजेस, वेन इट चेंजेस, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर से रेशियो था 2:1, एक्स रिटायर हो रहा है, जिस टाइम एक्स रिटायर हो रहा है तो उनकी न्यू रेशियो वाई और जेड की न्यू रेशियो 3:4 हो गई, वाई और जेड की न्यू रेशियो 3:4 हो गई, तब जर्नल एंट्री की जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो जाएगी तब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, तब हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल्स को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो चेंज एस्टिमेशन के टाइम पर अगर रेशियो चेंज हो रही है तो जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही है बाकी के पार्टनर्स की तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आर डी के पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:1, डी की डेथ हो रही है 30 जून को, जिस दिन डी की डेथ हो रही है आर और के ने डिसाइड किया कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, 30 जून को डेथ हो रही है, कितने महीने उसने काम किया, 6 महीने काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने उसने बिजनेस में काम, सॉरी जून में डेथ हो रही है, मैं सितंबर देख रही हूँ, जून में डेथ हो रही है तो जर्नल एंट्री तीन, कितने महीने काम किया उसने, अप्रैल मई जून 3 महीने उसने बिजनेस में काम किया, आर और के ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका जो प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लेना है। तो देखिए उसने कितने महीने काम किया बिजनेस में, 3 मंथ्स, 3/12, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिया 3,60,000, पहले तो 3 महीने काम किया 3/12 कर दिया, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लिया वो लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, जाने वाले पार्टनर का शेयर, डी का शेयर 2/6, डी का शेयर कितना है 2/6 वो लिख दिया, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आज का आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, जैसे देखिए दोबारा से मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखा देती हूँ, 3,60,000 लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानना है, 3 महीने बिजनेस में काम किया उसने 3/12, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानना है, उसमें 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा और उसमें उस बंदे जाने वाले पार्टनर का शेयर, थर्टी थाउजेंड, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया 3 महीने का, डी का प्रॉफिट निकल कर आ गया 30,000। अब पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज नहीं कर रहे थे ना, तो हम जनरल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है एंड पार्टनर रेशो चेंज नहीं कर रहे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है पार्टनर रेशो चेंज नहीं कर रहे, जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट 30,000, और डेट डाल दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो है इक्वल, सी डाइड, सी की डेथ हो रही है 30 सितंबर 2021 को, ए और बी ने डिसाइड किया कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और जो प्रॉफिट का शेयर निकालना है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ निकालना है एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स ये दिए हुए हमें, जर्नल एंट्री करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने एस्टिमेट करना है, प्रॉफिट एस्टिमेट करना है, कितने महीने काम किया बिजनेस में उस पार्टनर ने, 6 महीने काम किया क्योंकि सितंबर में डेथ हो रही है उसकी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने काम किया, प्रॉफिट एस्टिमेट करना है 6/12, प्रॉफिट कौन सा लेना है, एवरेज प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानना है। ठीक है, और पार्टनर्स की रेशो चेंज नहीं हो रही, नए पार्टनर्स की रेशो चेंज नहीं हो रही तो जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगी, जब नए पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है तो गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू होती है एंट्री, और अगर नए पार्टनर्स की रेशो चेंज नहीं होती तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होती है जनरल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज हमने इस साल का प्रॉफिट मानना है, 2 लाख + 3 लाख + 4 लाख, 2 लाख + 3 लाख + 4 लाख कितना आया, 5 + 4 = 9, 9 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा 3 लाख, 3 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 3 लाख। ठीक है, उसने कि अब 3 लाख को इस साल का प्रॉफिट मानना है,
पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज को इस साल का प्रॉफिट मानना है, 3 लाख निकला, जो एवरेज 3 साल का एवरेज निकालना है, 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो, 4 साल का एवरेज निकालना है, 4 साल के प्रॉफिट्स को प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, 5 साल का एवरेज निकालना है, 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करो, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। अभी 3 साल का एवरेज निकालना था, 3 साल के प्रॉफिट को प्लस किया, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 साल का एवरेज आएगा 3 लाख। कितने महीने उसने बिजनेस में काम किया, 6/12 × 6/12 कर दिया, और पार्टनर का शेयर क्या है, 1/3, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर था 1/3, इक्वल थे ना 1/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिफ्टी थाउजेंड। तो जनरल एंट्री होगी यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नए पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा था, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जनरल एंट्री होगी। और यहाँ जून नहीं आएगा बेटा जी, यहाँ पे सेप्टेम्बर आएगा, डेट आएगी सेप्टेम्बर 30। नेक्स्ट, अब देखिए, जब नए पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर देते हैं, एक्स वाई जेड रेशो था 2:2:1, एक्स रिटायर हो रहा है, जिस टाइम एक्स रिटायर हो रहा है वाई और जेड ने अपनी रेशो चेंज कर दी, तब हमारी जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जाने वाले पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर तो देते हैं, लेकिन कौन देता है, गेनर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से नहीं देते, गेनर्स देते हैं। देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर से रेशो था इक्वल, सी की डेथ हो रही है 30 सितंबर को, ए बी ने डिसाइड किया कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे एंड फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 की रेशो में। ए बी सी का पुराना शेयर था 1:1:1, सी की डेथ हो रही है, ए और बी का न्यू शेयर है 3:2, तो पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है। अब जो सी को शेयर देंगे प्रॉफिट का, वो हम किस रेशो में देंगे, गेनर्स देंगे उसको, गेनिंग रेशो में। सी को प्रॉफिट का शेयर देंगे लेकिन गेनर्स देंगे, गेनिंग रेशो में। अब प्रॉफिट निकालना कैसे, प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 साल के एवरेज को इस साल का प्रॉफिट मानना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे क्या, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो पहले देखिए, एवरेज प्रॉफिट लिया 2 लाख 3 लाख 4 लाख 9 लाख 9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, फिर उसे 6 महीने काम किया, 3 लाख × 6/12 × 1/3, 50,000 प्रॉफिट देना है, 50,000 प्रॉफिट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, सेम वही क्वेश्चन है ये, 50,000 प्रॉफिट देना है सी को, लेकिन देंगे कौन, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं देगा, गेनर्स देंगे, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ए का न्यू शेयर था 3/5 माइनस ओल्ड शेयर 1/3, तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस का माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 9 माइनस 5 4/15, तो ए कितना गेन कर रहा है, 4/15 ए गेन कर रहा है। उसके बाद बी का न्यू शेयर है 2/5 में से बी का ओल्ड शेयर माइनस किया 1/3, एलसीएम लिया 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 माइनस 5 1/15, तो ए का गेनिंग आ रहा है 4/15 और बी का गेनिंग आ रहा है 1/15, ए का गेनिंग आ रहा है 4/15, बी का गेनिंग आ रहा है 1/15, तो गेनिंग रेशो हो गई हमारी 4:1, गेनिंग रेशो हो गई 4:1। तो सी को हमने 50,000 का प्रॉफिट तो देना है, लेकिन देगा कौन, ए और बी किस रेशो में देंगे, 4:1 की रेशो में। तो 50,000 × 4/1 था ना, 4/5 किया 40,000 आ गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, 50,000 × 1/5 = 10,000। तो सी को देना वही प्रॉफिट है 50,000, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं देना, गेनर्स देंगे। गेनर्स कौन थे, ए और बी, ये सेप्टेम्बर के, ठीक है, ए और बी देंगे। जनरल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50,000 सी को देना है, लेकिन ए और बी देंगे 4:1 की रेशो में। आपको समझ में आ गया होगा, 50,000 × 4/5 = 40,000, 50,000 × 1/5 = 10,000। अब जो सेल्स बेसिस है, टर्नओवर एस्टिमेशन तो हो गया हमारा टाइम बेसिस पर,
मैं आपको जो सेल्स बेसिस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि इस ये तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी।